नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य सरिता मिश्रा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। जैसे कि आपको पता है, हर इंसान लक्ष्मी चाहता है। कैसे ना कैसे हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, हर इंसान जानना चाहता है। मैं आज आपको बताऊंगी छोटे छोटे वो उपाय जिससे हम अपने घर में लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं जाले लगते हैं तो ये हमारा कर्जा दर्शाता है कि हमें कहीं ना कहीं कर्जे के नीचे दबे रहना पड़ेगा। इसलिए अपने घर पे कभी भी जाले ना लगे रहने दें। दूसरा उपाय कि आप अपने घर में झाड़ू को छुपा कर रखें। कभी भी खड़ी झाड़ू नहीं रखी जाती, क्योंकि लक्ष्मी जी और झाड़ू का आपस में संबंध होता है। लक्ष्मी जी का रूप झाड़ू को भी कहा जाता है, क्योंकि झाड़ू ही हमारे घर से दरिद्रता को बाहर निकालती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी झाड़ू खड़ी ना रखें और अपने घर में झाड़ू को लिटा कर छुपा कर रखें। आए हुए को कभी भी झाड़ू घर में दिखे ना, इस तरीके से छुपा के रखें। तीसरा उपाय, अगर आपके घर में घड़ियाँ बंद पड़ी है या उनमें किसी न किसी कारणवश आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी घड़ी या तो घर से हटा दीजिए। अगर नहीं हटा सकते तो उनको उल्टा करके छुपा कर रखें, घर में दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे करने से भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। चौथा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत साधारण सा है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपने घर में आके जूते चप्पलों को उतार के ऐसे ही खोल देते हैं। अगर आपके घर में अधिक जूते चप्पल हैं और वो बिखरे पड़े रहते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। इसलिए हो सके तो जूते चप्पलों को स्थायी रूप से प्रॉपर रखें और एक जगह बना के उनको रखा जाए। हो सके तो इन्हें ढक के रखें। अगर नहीं हो सकता है तो एक निश्चित जगह पर स्थान बनाएं चप्पल जूतों को रखने का, और इतने ही चप्पल जूते रखें जो आप यूज़ करते हो। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा चप्पल जूते पड़े, तो वो भी एक तरीके का आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति ना होने का वास्तु दोष कहलाएगा। पांचवा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, जैसे कि आप अपने घर में दक्षिणा यंत्र या सफ़ेद दक्षिणा शंख या सफ़ेद शंख अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसको रखने से भी आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। छठा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, आप अपने घर में किसी भी शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और हर गुरुवार को उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप शुक्रवार के दिन श्री यंत्र लाते हैं और अपने घर के मंदिर में रखते हैं और उसको दीप और धूप जो भी आप जलाते हैं वो रोजाना उनको दिखाएं और हर गुरुवार को उसको कच्चे दूध के छींटे मारकर साफ करें। इसको करने से आपका श्री यंत्र चार्ज रहता है और आपके घर में लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती है। सातवां उपाय अगर मैं आपको बताने जाऊँगी तो वो लक्ष्मी प्राप्ति का ये है कि आप अपने घर को जितना हो सके साफ़ रखें। गुरुवार के दिन घर की औरतें अपना सर ना धोएं। गुरुवार के दिन अपने घर के कपड़ों को साबुन या सर्फ से ना धोएं। हो सके तो गुरुवार का दिन छोड़ दिया जाए। और इसके अलावा आठवां उपाय, जैसे कि गुरुवार के दिन हम लोग बाल कटवा लेते हैं तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे घर में लक्ष्मी का नाश होता है। जो मैं आपको नौवां उपाय बता रही हूँ वो आप ये कर सकते हैं कि एक लाल कपड़े में श्रीयंत्र, कौड़ियाँ, हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, एक चांदी का सिक्का बांध के आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। उसे लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आप अपने घर में जो भी तिजोरी या जहाँ भी पैसा रखते हैं वहाँ पे उस लाल कपड़े को बांध के रख दें। ऐसा करने से भी आपके घर में लक्ष्मी का साक्षात वास हो जाता है। नमस्कार। इसके अलावा अगर आपको कोई भी विपत्ति है लक्ष्मी से रिलेटेड या किसी और से, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।